हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैशबुक का कर रहे हैं। दिस इज़ अ टू कॉलम कैशबुक, और टू कॉलम कैशबुक में भी रिटेन का एक सिस्टम होता है कि आप इतना कैश जो है अपनी बुक्स में मेंटेन करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। ऐसा क्वेश्चन के लास्ट ट्रांजेक्शन में दे रखा होगा। इसके लिए अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, अपनी वर्कशीट के अंदर भी है, आप देख सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 में लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द टू कॉलम कैश बुक। मार्च 1 ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, और ओपनिंग बैलेंस को हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट मार्च। ओपनिंग बैलेंस को आप लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, दिस इज ब्रॉट डाउन। और कैश का बैलेंस आपको दे रखा है 12,000, और बैंक का बैलेंस आपको दे रखा है 36,000। आप पहले इस पूरे वीडियो को देख लें, ट्रांजिशन समझ लें, सॉल्व है आपका। उसके बाद इसको अपने आप एक बार करके देखिएगा, तभी परफेक्शन आएगा। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे, भाई स्विमिंग मैं करता रहा हूँ उससे आपको नहीं आएगी, आपको तो खुद करने से ही आएगी। ठीक है, आप हाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन खुद आपको करके देखना ही पड़ेगा, तभी परफेक्शन आएगा। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। कैश और बैंक का बैलेंस तो आ गया। कैश दे चेक फॉर 15,000, तो कैश दे चेक का मतलब है कि बैंक से पैसा निकाला है अपन ने 2 तारीख को। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक, और 2 तारीख को यहाँ लिखा जाएगा बाय, ये मार्च है सॉरी, बाय कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी जर्नल एंट्री होती है, ये रही विड्रॉ की एंट्री है ना। कितने रुपए निकाले, 15,000, LF में लिखना पड़ेगा 80। जब यहाँ बैंक है तो अमाउंट लिखेंगे कैश में, और जब यहाँ कैश है तो अमाउंट लिखेंगे बैंक में। कैश्ड अ चेक यानी हमने हमारे अकाउंट से सेल्फ का एक चेक काटा और बैंक से पैसा निकाल लिया, सही है, इसको बोलते हैं कैश्ड अ चेक, एक चेक को कैश में कन्वर्ट करना। एंड पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 12,500, इसी डेट को सैलरी का पेमेंट किया बाय सैलरी, कैश में पे किया, कितने रुपए, 12,500। डेबिट वॉट कम्स इन है, क्रेडिट वॉट गोज आउट है, उस तरीके से अपन चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आवर बैंक अकाउंट 3,000। मिस्टर सुनील सेठ ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए, तो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा आया है, पैसा बढ़ गया 3,000। और तारीख है 4th ऑफ मार्च टू सुनील सेठ। कितने रुपए, 3,000 हमारे बैंक में जमा हो गए, तो बैंक में लिख दो, हमारे पास नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में आगे बात तो है कि हम बैंक का भी तो कॉलम मेंटेन कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड 100, वो उसके अलावा उससे मतलब नहीं है। 10 में कहते हैं रिसीव फ्रॉम एन आउटस्टेशन कस्टमर चेक 9,500, और चेक डिपॉजिट कराया 12 तारीख को, ये तारीख है 10, यानी 10 को तो बैंक में जमा नहीं कराया, तो 10 को आप अगर कोई एंट्री करेंगे तो वो करेंगे क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे आया है चेक आपका, कोई कस्टमर है उससे आया है, नाम नहीं दिया, लेकिन इसमें तो कैश और बैंक हुआ ही नहीं, तो इसीलिए जब कोई चेक मिले और आप उसे बैंक में जमा ना कराएं उसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं होती। चेक मिला लेकिन बैंक में कहाँ जमा कराए, इसलिए इसकी एंट्री नहीं हो सकती। कौन सी तारीख को, 10 को, कितना अमाउंट है 9,500। चेक वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन 12th मार्च, वो अपन बाद में देख लेंगे। द बैंक डेबिटेड 20 एज कलेक्शन चार्जेस, बैंक ने 20 रुपीज जो है वो कलेक्शन चार्जेस दिया, वो भी 12 तारीख को ही लेगा, तो 12 तारीख को एक ट्रांजेक्शन करना है, ध्यान रखना, 10 तारीख को तो कुछ भी नहीं हुआ। 11 का गोविंद सेटल्ड इज अकाउंट 6,000 बाय चेक ऑफ 5,900, और चेक वॉज डिपॉजिट इन टू द बैंक 15 मार्च, ये भी एंट्री होगी, लेकिन ये अभी तो 11 तारीख को सेम ही एंट्री हो जाएगी आपकी, जो ये वाली एंट्री हुई है चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू गोविंद, और 5,900 से हो जाएगी क्योंकि 100 रुपए का डिस्काउंट कट गया है, बट जमा तो वो कराया गया 15 मार्च को, तो ये एंट्री भी हम 15 को करेंगे, जैसे ये वाली हम 12 को करेंगे ना, ऐसे ये वाली 11 वाली एंट्री हम कब करेंगे, 15 को, अभी तो छोड़ दो। अब आ गए 16, तो 16 तो छोड़ो, पहले 12 और 15 देखिए। ये जो चेक बैंक में आया, ये जो चेक आपके पास आया, आपने बैंक में जमा करा दिया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड, पहले चेक इन एंड को डेबिट किया था ना, अब यही चेक बैंक में जाएगा, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, बैंक में पैसा आया टू चेक इन हैंड, जिस चेक इन हैंड को आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया, उसे चेक इन हैंड अकाउंट क्लोज हो गया, और पैसा बैंक में जमा हो गया 9,500,
कौन सी तारीख को? 12 को। किसका पैसा? कस्टमर का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। इस वाले की पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, है ना, इसकी तो होगी नहीं। इसमें बैंक डेबिट हुआ है तो बैंक की डेबिट साइड में लिखेंगे कितना अमाउंट, 9500। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझना पड़ेगा। और 15 तारीख को ये वाला चेक भी जमा करा दिया, तो 15 तारीख को फिर टू चेक इन हैंड, कितने रुपए, 5900। और इस तारीख को तो 10 वाले में अगर आप देखेंगे तो बैंक ने 20 रुपए कलेक्शन चार्जेस भी लिए, तो पैसा गया भी है 12 तारीख को बाय कलेक्शन चार्जेस। भाई बैंक आपके काम फ्री में थोड़ा ना करेगा, तो कलेक्शन चार्जेस तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, तो बाय साइड से बैंक में पैसा कट भी गया, 9500 जमा हुए और 20 रुपये चले भी गए कलेक्शन चार्जेस के। तो ये 11 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया। 16 को है सेटल रवीज अकाउंट 8200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज डिस्काउंट। 8200 में से 200 का तो आपने डिस्काउंट काट लिया, अब पेमेंट आपने कितना किया 8000। तो कौन सी तारीख है? 16। रवि को पेमेंट किया बाय रवि, उसमें भी कहते हैं 6000 तो चेक से दिया, तो वो तो बैंक कॉलम में लिख दो, चेक से दिया तो बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा। एंड बैलेंस, बैलेंस 8000 में से 6000 तो हो गया, तो बाकी का 2000 कैसे दिया? वो कैश में दिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। 17 को विड्रॉन फ्रॉम बैंक 15000, 15000 रुपए बैंक से निकाले, तो विड्रॉ करने की एंट्री हियरिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कब निकाले? 17 को। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक पकड़ लो, टू बैंक को यहां ले आओ और कैश को सामने ले जाओ बाय कैश, टू बैंक बाय कैश। अब बैंक कहता है अमाउंट लिखेंगे कैश में 15000 कॉन्ट्रा, और कैश है तो अमाउंट लिखेंगे बैंक में 15000, बैंक से पैसे गए और कैश में आपके आ गए। एंड एन ऑफिस इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर 12000, और 12000 रुपए का से अपन ने क्या खरीदा? ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया उसी तारीख को, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट 12000 रुपए, और बाकी का ओनर ने खुद ने रख लिया तो वो ड्रॉइंग्स हो गई, तो बाय ड्रॉइंग्स हो गया आपका कितने रुपए का? 3000 का, टोटल 15 था ना। आप इसको अल्टरनेटिव दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पहले मैंने बैंक से निकाला फिर ऑफिस इक्विपमेंट और ड्रॉइंग किया, तो मैं चाहता तो ये काउंटर एंट्री ना करके डायरेक्ट भी इसको कर सकता था, ये भी इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है। आगे देखें, सोल्ड गुड्स टू 18 तारीख को है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 8000, पर हम बात कर चुके हैं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं होते, छोड़ दो। संजय रिटर्न गुड्स वर्थ रूपी 500 सेटल इज अकाउंट बाय चेक। देखो 8000 का गुड्स हमने उसको बेचा था, उसने 500 का रिटर्न कर दिया, बाकी बचा 7500, 7500 का चेक उन्होंने हमको दे दिया, है ना। अब बैंक में जमा कराया या नहीं कराया इसके लिए कोई लिखा नहीं है। हाँ 22 तारीख को ये जरूर लिखा है कि संजय का चेक डिसऑनर हो गया। अब देखो डिसऑनर तो बैंक में जाके होगा, तो इसका मतलब बैंक में जमा कराया ही होगा, इसलिए ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि 19 तारीख का चेक बैंक में जमा कराया है, क्योंकि लिखा है 22 को डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर तो तभी हो सकता है जब बैंक में जमा कराया हो, इसीलिए 19 जो आपका 19 का ट्रांजेक्शन है वो हमें बैंक में ही लिखना पड़ेगा। तो टू संजय, संजय से आपको चेक मिला कितने का? 7500 का। और 22 को लिखा कि वो डिसऑनर हो गया, तो मैंने कहा था डिसऑनर होता ही आप रिवर्स साइड में आ जाएं और लिखें बाय संजय, यहाँ आपने डेबिट में लिखा था 75 तो यहाँ क्रेडिट में लिख दो 75, हो गया डिसऑनर, कैंसिल हो गया ना अपने आप ही, हमने माना था कि चेक जमा हो गया और चेक तो डिसऑनर हो गया, तो जब भी डिसऑनर हो ध्यान रखना बाय साइड में लिखना है। और यहाँ लिखा है कि डेबिटेड 20 टुवर्ड इट्स चार्जेस फॉर दिस चेक, तो ये भी तो हम संजय से ही लेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ 20 रुपये या तो प्लस कर दें और या फिर हम अलग से लिख दें इसी तारीख को बाय संजय, ये भी हम संजय से ही लेंगे। जब भी चेक डिसऑनर होगा और उसके कोई भी डिसऑनर चार्जेस लगेंगे वो संजय के कारण हुए हैं, तो हम संजय से ही लेंगे, हम क्यों उसको बेयर करेंगे, हम क्यों भुगतेंगे, ऑब्वियसली संजय की गलती के कारण हुए, संजय का चेक डिसऑनर हुआ है तो हम संजय से पैसे लेंगे, तो बाय संजय ही लिखना पड़ेगा, संजय को डेबिट करके हमने उसको डेटर बना लिया। आगे लिखे इशूड ए चेक ऑफ 3000 टू अशोक एज एडवांस अगेंस्ट ओवर ऑर्डर 24th को, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन 19 का है,
22 का है, अब ये 24 का है आपका, और हमने अशोक को एडवांस दे दिया तो हम लिखेंगे बाय अशोक, और एडवांस में आपको लिखना पड़ेगा 3000 का चेक हमने उसको दिया है, सही है। तो 5000 का फर्नीचर है लेकिन चेक तो हमने 3 का ही दिया, तो हम तो एंट्री 3 की करेंगे, हमारा चेक तो 3 का ही गया, ठीक है फर्नीचर 5 का आएगा वो बात की बात है। रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय, कहता है ये जो दोनों अमाउंट थे ना चेक के और चार्जेस के, ये हमने संजय से कैश में रिसीव कर लिए, और ये कब किए 25 को, तो लिखेंगे 2 संजय, भाई जब पैसा आ रहा है तो संजय से आ रहा है। कितने रुपए 7520, और संजय ने परेशान होकर कैश में ही दे दिया, भैया कैश पकड़ लो, चेक तो मेरा डिसऑनर हो गया। आगे गुड्स वर्थ रूपी 12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15th, इट्स पेमेंट वॉज मेड टूडे बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5%। 12,000 का कोई पेमेंट हमको करना था, किसको करना था, श्याम सुंदर से, हमने उस 12,000 में 5% डिस्काउंट काट दिया यानी 600, बाकी का 11,400 हमने उसको चेक से पेमेंट कर दिया, डिस्काउंट काट के 11,400 का पेमेंट कर दिया। पेड टू मनोहर 8,000 चेक, तो बाय मनोहर, और कितना पेमेंट किया चेक से 8,000। आगे कैश सेल टू डेट 80,000, 60,000 जिसमें से बैंक में जमा करा दी उसी तारीख को कराइए तो कॉन्ट्रा नहीं होगी, आप सिंपली लिखेंगे टू सेल 60,000 तो बैंक में और 20,000 कैश में, बस भाई 20,000 कैश है, 60,000 टोटल 80,000 की सेल हुई है। बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बैंक ने हमारी तरफ से इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, कैसे हमारी सिक्योरिटी थी इन्वेस्टमेंट था उस पर 300 कलेक्ट कर लिया, हमको इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई हमने आपका 300 कलेक्ट कर लिया। यहाँ तक तो एक जनरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं थी, हाँ अपन ने ये जरूर देखा कि संजय का चेक डिसऑनर हो गया था, तो जब मिला तो 2 संजय, और जब डिसऑनर हुआ तो 22 संजय, और कलेक्शन चार्जेस वो आपके जो डिसऑनर चार्जेस है वो और लग गए थे, है ना। बाकी सब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो है लास्ट लाइन, डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000, 10,000 रुपए छोड़कर बाकी का पूरा कैश आप बैंक में जमा करा दो। भाई आपको कहा जा रहा है कि आपके पास जितना भी कैश बचा है ना 10,000 अपने पास रख लो, बाकी का पैसा बैंक में जमा करा दो, हमें कैश 10,000 से ज्यादा घर पे नहीं रखना, रिस्क हो जाती है, इससे ज्यादा कैश हम नहीं रखेंगे। तो ठीक है, उसका ट्रांजेक्शन जो है वो अपन को करना पड़ेगा कि क्या है, देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है। पहले आप कैश कैश की बात कर रहे हैं, कैश के डेबिट साइड का टोल करें 54,520, और कैश का पेमेंट साइड का टोटल जो है वो है 14,500, ठीक है। आपका कैश आया है गया है वो सब अपन ने लिख दिया, ये ट्रांजेक्शन ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ये सबसे टफ ट्रांजेक्शन है, ये समझ में आ गया तो चैप्टर कंप्लीट है आपका। तो कैश आया कितना 54,520, तो मैं लिख रहा हूं रिसिप्ट है आपकी 54,520, ये वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा आपको, और कैश का पेमेंट हुआ है 14,500, ये लो 54,520 माइनस 14,500, ये आपका बचता है 40,020, इतना कैश आज की डेट में आपके पास बैलेंस बच गया है ना भाई। 54,520 का तो कैश आया और 14,500 का चला गया, तो बचा कितना 40,020। लास्ट लाइन में लिखा है कि 10,000 अपने पास रख लो, आपके पास तो 40 है, 10 अपने पास रख लो, तो रिक्वायर्ड बैलेंस जो है ना, जो रिक्वायर्ड बैलेंस है वो सिर्फ 10,000 ही है। तो अब एक्सेस कैश आपके पास कितना पड़ा है, सर मेरे पास 30,020 का एक्सेस कैश पड़ा है, रिसिप्ट में से पेमेंट को लेस करो जो बैलेंस बचा, 40 का मेरे पास बैलेंस पड़ा है, होना चाहिए सिर्फ 10, रिक्वायर्ड 10 ही है, तो एक्सेस कितना है 30,020, इसको बैंक में जमा करा दो, बैंक में जमा कराने की काउंटर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 30,020, सही है। ये वर्किंग नोट आपको नीचे देना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई। तो हमारे पास 30,020 का कैश पड़ा है, इसे हम बैंक में जमा करा देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश को पकड़ लो, यहां ले आओ टू कैश, और बैंक में लिखो 30,000
20, सही है। और बाय बैंक, ये भी आखिरी तारीख का ही है, 31 का। टू कैश, बाय बैंक, और बैंक का तो अमाउंट किस में लिखेंगे, कैश में। ये लो जी, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है आपकी। ये यहां कॉन्ट्रा एंट्री की है अपन ने, कौन सी तारीख को, 31 को। देख लो किस तरीके से अपन ने की है। रिसिप्ट में से पेमेंट को लेस किया, जो बैलेंस बचा उसमें से रिक्वायर्ड बैलेंस जो चाहिए उसे लेस कर दिया। अब जो एक्सेस कैश है उसे बैंक में जमा करा दिया। कैश का अब आपका 54,520 यहां था और यहां हो गया 44,520। दोनों साइड के टोटल बराबर होने चाहिए, बराबर कर दीजिए, डिफरेंस आपका 10,000 ही आएगा क्योंकि हमने मेंटेन रखा ही होता है। तो बाय बैलेंस सीडी, ये 10,000 ही निकलेगा। और इसका भी टोटल जब आप करेंगे उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल लेस कर देंगे तो बैंक का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 86,280। सही है। जो मेन बात थी ना वो ये थी कि आप 10,000 का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। आपके पास बैलेंस आ रहा था 40, आपने कहा यार ये तो 40 आ रहा है, मुझे तो 10 ही चाहिए, तो जो ज्यादा का 30 आ रहा था वो आपने बैंक में जमा करा दिया, उसकी काउंट्रा एंट्री आपने कर ली। ये कहलाता है रिटेन करना। ये 10,000 जो आपने निकाला ना ये कहलाता है रिटेन करना। उसके लिए आपको ये वर्किंग नोट देना पड़ेगा। सही है। तो ये है आपका कैशबुक। कैशबुक में रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी, कि अगर आपको कह दे कि हमको तो ये पर्टिकुलर बैलेंस ही मेंटेन करना है, हम 10,000 ही रखना चाहते हैं, ज्यादा है तो बैंक में जमा करा दो और कम है तो पैसा विड्रॉ कर लो, पर हम रखना 10,000 ही चाहते हैं, ये क्वेश्चन कंडीशन में कह दी जाएगी। तो अगर आपके पास ज्यादा कैश है तो बैंक में जमा करा दो, एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश, और अगर कम पड़ रहा है तो बैंक से निकालो, एंट्री हो जाएगी कैश टू बैंक। वो काउंटर एंट्री हो सकती है, बस बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना है 10,000। दिस कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, और ये कंडीशन हमेशा गिवन आएगी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैशबुक में हर स्कूल के एग्जाम में नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि कैश किस तरह से मेंटेन करना, और ये हमेशा लास्ट लाइन में गिवन होगा, ये बात ध्यान रखेगा। ठीक है, इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ये बातें हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको बुक में ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आपका एक्सेस कैश आएगा और आप उसे बैंक में जमा कराएंगे। एक दो क्वेश्चन आपको और भी मिल सकते हैं जिसमें कैश कम पड़ रहा है, हमें तो मेंटेन करना है, कैश कम पड़ रहा है तो हम बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। सही है। तो ये आपका कैशबुक का क्वेश्चन है, इसके एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें, परफेक्शन आएगा। ओके, थैंक यू।